जब मैं खान साहब को ये पोर्ट्रेट देने गया तो खान साहब ने स्माइल दी और पोर्ट्रेट को देखा तो वो खुश हुए देख के और कहते वेल डन और बहुत अच्छा स्केच बनाया। और फिर उसके बाद थोड़ी सी देर पोर्ट्रेट देख के तो फिर कहते कि तुमने तो मेरी जवानी की याद ताज़ा करवा दी है। सियासतदानों में तो मैंने खान साहब का ही बनाया। वैसे मैंने माशाल्लाह से बहुत सारे पोर्ट्रेट बना चुका हूँ मैं, तो वो मेरी गिनती में भी नहीं आता कि जितने मैंने पोर्ट्रेट बना चुका हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों को, दुआ बड़ों का सलाम। सीशान अल्बानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर से सैयद वकार जाफरी। इन्होंने कुछ रोज़ पहले खान साहब का स्केच बनाया और उनको बर्थडे पर जो है वो गिफ्ट किया, जबकि इस स्केच के लाखों रुपए की ऑफ़र आई, लेकिन वो लाखों रुपए की ऑफ़र जो है वो इन्होंने ठुकराई और खान साहब की मोहब्बत में वो स्केच खान साहब को उनकी बर्थडे पे जो है वो डेडिकेट किया। इनसे बात करती हैं कि कितने में बना और कैसे बनाया और खान साहब का स्केच क्यों बनाया। जब खान साहब से मुलाकात हुई तो खान साहब ने इनके लिए क्या अल्फाज बोले, आइए सैयद वकार जाफरी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि खान साहब का स्केच आपने बनाया, कहा जाता है कि लाखों की बोली लगी, क्यों आपने ठुकरा दी और खान साहब को जब आप देने गए तो खान साहब के क्या अल्फाज थे? जब मैं खान साहब को ये पोर्ट्रेट देने गया तो खान साहब ने स्माइल दी और पोर्ट्रेट को देखा तो वो खुश हुए देख के और कहते वेल डन और बहुत अच्छा स्केच बनाया। और फिर उसके बाद थोड़ी सी देर पोर्ट्रेट देख के तो फिर कहते कि तुमने तो मेरी जवानी की याद ताज़ा करवा दी है। अच्छा बताइए, कहा जाता है कि लाखों रुपए की जो है ऑफ़र भी आई लेकिन आपने ठुकरा दी, उसकी क्या वजह थी? देखें मैं कप्तान है तो मैं उन्हीं के लिए वो पोर्ट्रेट बनाया था, तो इसलिए ना जो भी उसकी जितनी भी बोली लगती तो मैंने वो रिजेक्ट ही करनी थी, क्योंकि वो मैंने अपने कप्तान के लिए बनाया था और मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ और इसलिए मैंने वो पोर्ट्रेट उन्हीं को ही गिफ्ट किया। आप तो पेंटिंग का काम करते हैं, स्केच बनाना कौन सा मुश्किल था? आप दोबारा बना ले सकते थे और लाखों रुपए की ऑफ़र आपने ठुकरा दी। क्योंकि जब स्टार्ट में मैंने वो पोर्ट्रेट बनाया था ना, तो वो मैंने सोचा था कि मैं ये खान को ही दूंगा, तो फिर जब मैंने सोचा था कि खान को ही दूंगा तो वो फिर मैंने इसलिए खान को ही दिया। और मैं खान की कोई भी पेंटिंग होती तो मैं उसको बेचता नहीं, उसको सेल नहीं करता, क्योंकि उसके ऊपर खान की तस्वीर थी तो मैं खान की तस्वीर थोड़ी सेल कर सकता हूँ। खान साहब के साथ आपकी मुलाकात किसने करवाई और कब हुई? वो मेरे दोस्त हैं तो उनके थ्रू मैं गया था, तो इसलिए उनसे मुलाकात हुई, फिर इसलिए जाके उनको गिफ्ट दिया। अच्छा ये बताइएगा कि आपने स्केच बनाया खान साहब का और स्केच जब लोगों ने देखा, लाखों रुपए की ऑफ़र भी आई, आपने ठुकरा दी, ये बताइएगा कि इसके अलावा भी किसी के स्केच बनाया या फिर खान साहब का ही बनाया? सियासतदानों में तो मैंने खान साहब का ही बनाया। वैसे मैंने माशाल्लाह से बहुत सारे पोर्ट्रेट बना चुका हूँ मैं, वो मेरी गिनती में भी नहीं आता कि जितने मैंने पोर्ट्रेट बना चुका हूँ। सही है। खान साहब का स्केच आपको बनाने में कितना टाइम लगा, कितने दिन लगे और कैसे बनाया? ये मैंने 6 मंथ पहले ही इसको स्टार्ट किया था, तो उसके बाद इसको 1 मंथ कंप्लीट हुए थे। मतलब मैं इसको ना, वैसे तो मैं 1 वीक में भी इसको बना सकता था, लेकिन मैंने इस पर काफ़ी थोड़ा टाइम इसको डिटेल में इसको बनाया कि क्योंकि मेरा था कि मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने कहा था कि मैं खान को ही दूंगा, तो मैंने फिर उनके लिए ना इस पर थोड़ी सी काफ़ी मेहनत की और फिर देन मैंने वो 1 वीक में पूरा कंप्लीट किया और फिर मैंने इसका फ्रेम अच्छा करवाया और फिर मैंने खान के लिए उनको 6 माह बाद जो ना अब आके मैंने उनको उनकी बर्थडे पे वो गिफ्ट किया। ये बताइएगा कि आपने खान साहब को ये स्केच जो है उनकी बर्थडे पे गिफ्ट कर दिया, स्केच बनाने में कितना खर्चा आया? वो मतलब मुझे मेरे इतने माइंड में नहीं है कि कितने पैसे लग गए थे, लेकिन वो जितने भी लगते हैं वो खान के लिए तो कुछ भी, मतलब वो जब खान के लिए मैं क्या अल्फाज यूज़ करूँ कि खान के लिए तो जान भी कुर्बान है, तो कोई मसला नहीं है पैसों का। जाफरी साहब, और भी बहुत सारे सियासतदान हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और हुकूमत में भी आते हैं जाते भी हैं, उनके नहीं बनाए, खान साहब से मोहब्बत की खास वजह क्या थी? खान साहब से मोहब्बत की वजह ये थी कि मैं ना जब बचपन में था तो तब मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैं खान साहब को ही फॉलो करता था क्योंकि खान साहब तब वर्ल्ड कप जीत के लाए थे, तो मैं उनको बड़ा सपोर्ट करता था तब भी, लेकिन मैं छोटा था तब। तो उसके बाद मैंने जब क्रिकेट सीखी थी तो वो भी मैंने उन्हीं को देख देख के सीखी थी क्रिकेट, तो मैं तब से उनका फ़ैन था। तो जब वो पॉलिटिशियन में आए तो फिर मैं उनका सपोर्टर बन गया फुल और मैं उन्हीं को ही मतलब ना लाइक करने लग गया कि यार ये आगे इन्हीं को ही वोट देना है। अच्छा ये बताइएगा कि पेंटिंग का काम आप कब से कर रहे हैं और कहाँ से सीखा था?
पेंटिंग का काम जो है ये मेरे वैसे तो मैं बचपन से ही काम करता हूँ आर्ट का, लेकिन जो मैंने इसकी तालीम बैचलर मैंने इसमें किया हुआ और उसके बाद मैंने इसको प्रोफेशनली ही शुरू किया। ये मुझे तकरीबन 13 साल हो चुके हैं इसको मैं करते हुए। आप प्रॉपर यही काम करते हैं या इसके अलावा भी कुछ जॉब करते हैं? इसके अलावा मैं डिजिटल आर्ट का काम करता हूँ एक कंपनी में, और साथ में ये अपना आर्ट का काम करता हूँ। कहा जाता है कि स्केच बनाने वाले जो पेंटिंग का काम करते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं और उनको कमाना बहुत मुश्किल होता है, कितनी मुश्किलात आती है यहाँ पे? पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में ना किसी भी कोई भी शोभा देख लें उसमें इतना यहाँ पे मैंने सुना है कि कोई स्कोप नहीं है। और अगर आप आर्ट की बात करें तो आर्ट में यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है। ये तो कुछ 4-5 साल पहले अब हुए हैं कि जो मीडिया ने इसको प्रमोट किया है, और ये अब थोड़ा सा ना इसको लोग ना इसकी तरफ आ रहे हैं, रुझान बढ़ रहा है इसका ना। लेकिन आप अगर बाहर चले जाएँ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको सराहा जाता है और पसंद करते हैं लोग, और बाहर की कंट्री में ना इसका स्कोप भी है और जॉब्स भी हैं जो कि यहाँ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। बकार जफरी साहब, आपने खान साहब का ऐसा स्केच बनाया कि खान साहब भी तारीफ करने में मजबूर हो गए, क्या पहनना चाहेंगे? और इसके अलावा कोई अगर आपसे ये काम सीखना चाहे तो वो कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं? मेरा ना स्टूडियो है अपना जहाँ पे मैं तालीम देता हूँ आर्ट की, जाफरी आर्ट स्टूडियो के नाम से मेरा जो है ना स्टूडियो है, और इसी तरह मेरा चैनल भी है जाफरी आर्ट स्टूडियो के नाम से और AW आर्ट स्टूडियो के नाम से, और अकाउंट भी है मेरा इंस्टाग्राम पर वकार जाफरी के नाम से ही। तो अगर किसी ने रब्ता करना हो तो वो फिर मुझे वहाँ पर कनेक्ट कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया नासिर, आपने गुफ्तगू सुनी सैयद वकार जाफरी साहब की, जो कि खान साहब का स्केच बनाया और जिसकी लाखों रुपए की बोरी लगी लेकिन वो खान साहब को ही दिया क्योंकि खान साहब से मोहब्बत थी, खान साहब से चाह थी, लेकिन खान साहब ने फिर ऐसे अल्फाज बोले कि जो कि इनके लिए वो याददाश्त बन चुके हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान शाह अल्फानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए और आने के बाद।